किसी ने क्या खूब कहा है जिसे कोई नहीं सुधार पाता, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि वाले लोगों का 7 नवंबर दिन शनिवार कैसा रहने वाला है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आज तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और उनका प्यार संबंध कैसा चलेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा और उन लोगों का दिन कैसा रहेगा। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे और आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। घर में रहकर शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना करें, शनिदेव महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति के बारे में। आज चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं उनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। हर कोई विद्वान व्यक्ति की तारीफ करता है और विद्वान व्यक्ति की संगति में रहना चाहता है। वही मूर्ख की कहीं पूछ नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति केवल अपने परिवार के बीच ही अपना महत्व साबित करने में लगा रहता है और मूर्ख ना ही उस व्यक्ति को कहीं इज्जत दी जाती है। मूर्ख व्यक्ति सदा अपनी महानता के गुणगान करता रहता है, अपने मुंह से करता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव अपने आप को दूसरों से ऊंचा और सम्मान बनने की में कोशिश दिखाई पड़ता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होता है वह ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है और व्यक्ति मूर्ख होता है वह व्यक्ति की मूर्ति में भी भगवान को ढूंढता रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति हमेशा तर्क वितर्क रहता है, मगर जो विद्वान होते हैं वह कभी किसी की व्यर्थ बात को लेकर तर्क वितर्क नहीं होते। इतना ही नहीं कि वह दुनिया को सम्मित दृष्टिकोण से देखते हैं, मगर जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वह दुनिया को कभी सीमित नहीं मानते। मित्रों, यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं मित्रों आज के पाचांग के बारे में। आज का पाचांग 7 नवंबर 2020 दिन शनिवार, तिथि चल रही है छठ, नक्षत्र है पुनर्वर्षी, ऋतु है शरद ऋतु, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:20 पर और सूर्यास्त होगा 5:44 पर। आज का शुभ समय 9:10 से 10:35 तक। आज का अशुभ समय 1:24 से 2:49 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 5 है और भाग्यशाली दिशा दक्षिण है और भाग्यशाली रंग गहरा हरा है। मित्रों, अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। आज का दिनमान आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, आपकी मजकी शैली में को पसंद आएगी, खर्चा में बढ़ोतरी होगी, इनकम ठीक ठाक रहेगी, प्रेम जीवन बिता रहे लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, अपने प्रिय के दिल में जगह बनाएंगे, काम के सिलसिले में दिनमान अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातक आज अपने कार्य क्षेत्र और परिवार दोनों ही के बीच बैलेंस बनाते हुए कार्य नजर आएंगे। जरूरी कामकाज को व्यवस्थित करने पर आज आपका फोकस रहेगा। जीवन साथी का सहयोग में पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से महालक्ष्मी की विशेष कृपा आज आप पर बनी रहेगी। समृद्धि बढ़ेगी, आय में नए स्रोत बनेंगे,
किसी काम की भागदौड़ में आज समय व्यतीत करना होगा और फिर बाद में आपको पूरे तरीके से सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।